पढ़ेंगे कक्षा 9 जीव विज्ञान, उसमें हम पढ़ेंगे संवाहक ऊतक। संवाहक ऊतक, संवाहक ऊतक क्या है? तो संवाहक ऊतक जाइलम और फ्लोएम मिलकर के संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर के जो है संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े और बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तने के एक भाग के सेक्शन में बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे, पहला है जाइलम। जाइलम, जाइलम देखिए क्या है। जाइलम जो है पौधों में पाए जाने वाले यह जटिल ऊतक होते हैं, जो कि यह जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यह जो है जाइलम और फ्लोएम, यह जो है जाइलम जो है समस्त पौधों की जड़ों में जो है जाइलम उपस्थित होता है, और यह जाइलम ऊतक जो है पौधों की जड़ों में जो है पृथ्वी के जल को अवशोषित करके, पृथ्वी के जल को अवशोषित करके पौधे के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। पौधों के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, और यह जो है यह पत्तियों तक, पौधों के जो जड़ हैं वह जड़ के अंदर जो है जो स्पीति दाब है, स्पीति दाब के कारण, टर्जर प्रेशर के कारण समस्त जो जड़ की कोशिकाएं हैं वह पृथ्वी के जल को, तृतीयक जड़ें जो है पृथ्वी से जल को अवशोषित करके और चालनी नलिकाओं द्वारा जो है वह पौधों के विभिन्न भागों में पत्तियों तक जल को पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह जो है जाइलम, जाइलम जो है चार प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है। जाइलम जो है चार प्रकार के जो है ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है वाही, वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। दूसरा है वाहिकाएं, वाहिकाएं। अगला है जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। अगला है जाइलम पेरेन्काइमा। तो इस तरह से अगला है जाइलम रेशे, जाइलम रेशे। यह जो है जाइलम वाहिकाएं, जाइलम जो है चार प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना हुआ है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम रेशे। अब हम बारी बारी से देखेंगे सबके विषय में कि जो है वाहिनिकाएं क्या है, वाहिनिकाएं क्या हैं। तो वाहिनिकाएं के बारे में हम पढ़ेंगे। यह निर्जीव, लंबी तथा नलिकाकार होती हैं। ये दोनों सिरों पर नुकीली, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लिग्निन के जमा होने के कारण इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। लिग्निन की उपस्थिति के कारण यह जो है इनकी भित्ति जो है क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब इसका कार्य, कार्य क्या है? इनका कार्य जल एवं
घुलित खनिज पदार्थों की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना होता है। एक पौधे के कोमल अंगों को यह सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। वाहिकाएं क्या है? वाहिकाएं जो है ये बेलनाकार जो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं, अनुप्रस्थ पत्तियों अनुप्रस्थ भित्तियों के नष्ट होने से ये जड़ से लेकर पत्तियों तक लंबी नलिकाओं का रूप ले लेती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमा हो जाने से कई प्रकार के स्थूलन हो जाते हैं, जैसे बलयाकार, सर्पिल, सोपानवत, जालिकावत और गर्ती। यह जो है वाहिकाएं के कार्य, इनका कार्य जो है जड़ों द्वारा अवशोषित, जड़ों द्वारा कार्य। वाहिकाएं भी जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने, ये पौधे यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती हैं या ये यांत्रिक शक्ति देती हैं। कार्य क्या है? भोजन का संचय एवं दृढ़ता प्रदान करना, भोजन का संचय एवं दृढ़ता प्रदान करना। अब है जाइलम रेशे, अगला है जाइलम रेशे। तो जाइलम रेशे क्या है? ये निर्जीव दृढ़ोतक कोशिकाओं से बनी होती है। ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करती हैं। इनका कार्य है ट्रेकिड व वाहिनिकाओं द्वारा पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करती हैं और ये किनारों की ओर पानी के पार्श्वी संवहन में मदद करती हैं। रेशे मुख्य रूप से सहारा प्रदान करने का कार्य करती हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके क्लोरेन्काइमा ऊतक के बने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम या इनका कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। फ्लोएम को हम रसोई घर के नाम से भी जानते हैं। यह फ्लोएम दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जो है इनका कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को विभिन्न अंगों में पहुंचाना और ये चार प्रकार की ऊतक कोशिकाओं से बनी होती है। पहला है चालनी नलिकाएं। दूसरा है साथी कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोरेन पैरेन कायमा। देखिए चालनी नलिकाएं क्या हैं? ये सजीव नलिका के समान होती हैं।
जिन स्थानों पर ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं इनकी अनुप्रस्थ भित्तियों में चलनी के समान अनेक छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर के भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है। चालनी नलिकाएं नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। दूसरा है साथी कोशिकाएं। तो साथी कोशिकाएं क्या हैं? ये चालनी नलिकाओं से लगी हुई पाई जाती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा इनमें एक केंद्रक भी होता है। कार्य: साथी कोशिकाएं चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करती हैं और सभी कोशिकाएं चालनी नलिकाओं की क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। अगला है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा तो ये चालनी नलिकाओं के बीच बीच में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनका कार्य क्या है? ये भोजन संचय करने का कार्य करती हैं। फ्लोएम रेशे ये दृढ़ोतक रेशे हैं जो पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करते हैं। पटसन में मिलने वाले रेशे फ्लोएम रेशे होते हैं। जो पटसन है सन है उसमें जो रेशे होते हैं वह जो है फ्लोएम रेशे कहलाते हैं। इनका कार्य क्या है? फ्लोएम जाइलम के समान पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। फ्लोएम पत्तियों के बने जो है विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न है सरल ऊतक के कितने प्रकार होते हैं? अगला प्रश्न है, इसमें प्रश्न दिया हुआ है कि सरल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल ऊतक जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। ये जो है तीन सरल ऊतक होते हैं। अगला प्रश्न है प्ररोह का शीर्ष विभिज्योतक कहाँ पाया जाता है? प्ररोह का विभिज्योतक शीर्ष कहाँ पाया जाता है? तो प्ररोह का शीर्षस्थ कहाँ पाया जाता है? प्ररोह का विभिज्योतक जड़ तना की चोटी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नारियल का रेशा किसका बना होता है, किस ऊतक का बना होता है? तो नारियल का ऊतक जो है क्लोरेन्काइमा ऊतक का बना होता है, जैसा कि अभी पढ़े हैं। फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं? फ्लोएम के चार संघटक हैं चालनी नलिका, साथी नलिकाएं, फ्लोएम मृतक और फ्लोएम दृढ़ोतक। यह जो है इनके चार जो है क्या हैं जो है संघटक हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है जंतु ऊतक के विषय में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे पादप ऊतक के विषय में पढ़ लिए हैं कि पादप ऊतक क्या है। अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। जिस तरह से हमने पढ़ा है कि पादपों में अनेक प्रकार के कोशिक ऊतक उपस्थित होते हैं जिनका जो है कार्य अलग अलग होता है, उसी तरह से जंतुओं में भी ऊतक होते हैं जिनका जो है कार्य अलग अलग होता है और अलग अलग कार्य करने के लिए वह जो है क्या हैं लगे होते हैं। कार्यों के आधार पर जंतु ऊतक निम्न चार प्रकार के होते हैं। पहला है एपीथीलियमी। दूसरा है संयोजी ऊतक
संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशी ऊतक, पेशी ऊतक, चौथा है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक। यह जो है जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक हैं। यह जंतु ऊतक जो है चार प्रकार का होता है। पहला जो है एपिथिलिमी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा जो है तंत्रिका ऊतक। तो हम बारी बारी से सबके विषय में पढ़ेंगे कि जो है इन ऊतक का क्या कार्य है और ये कहाँ पाया जाता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। पहला है एपिथिलिमी ऊतक। एपिथिलिमी ऊतक जो है अभी हम पढ़ेंगे। एपिथिलिमी ऊतक शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। इसको जो है इसे शरीर को ढकने का कार्य करता है और वह वायु स्थि में पाया जाता है। एपिथिलियम की स्थि क्या है? यह ऊतक समस्त शरीर के रक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करते हैं। दूसरा, यह त्वचा का सबसे बाहरी आवरण बनाने का कार्य करता है। तीसरा है, यह शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहाओं को ढकने का कार्य करता है। अगला है, त्वचा मुंह आहार नाल रक्तवाहिकाओं की भीतरी अस्तर फेफड़ों का कूपिकाओं ब्रिक नलिका आदि एपिथिलिमी ऊतक का बना होता है। अब है एपिथिलियम ऊतक की विशेषता क्या है? एपिथिलियम ऊतक की विशेषता निम्नलिखित है। क्या है? एपिथिलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं और ये एक अनवरत परत बनाने या निर्माण करने का कार्य करती हैं। अगला है, इन ऊतक की परतों के बीच चिपकने वाले पदार्थ कम उपस्थित होते हैं। अगला है, इन ऊतक को एक बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली के नीचे रहने के वाले ऊतकों को अलग करने का कार्य करती है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे एपिथिलिमी ऊतक के कार्य। एपिथिलिमी ऊतक के कार्य, तो ये सामान्यतः जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथिलिमी की परत से होकर के ही बाहर निकलने का कार्य करता है और इसी के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथिलिमी ऊतक जो है कोशिकाओं के बीच परंपरागत से जो है यह बाहरी वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान करने का कार्य करता है। यह जो है हमारे शरीर के जंतुओं के शरीर के बाह्य भागों में पाया जाता है और शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बस अगले वीडियो में।